नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, सियासत का जादूगर। जी हां, अशोक गहलोत की बात हम यहां पर कर रहे हैं। सियासत का जादूगर अशोक गहलोत, राजस्थान की राजनीति का वो कद्दावर चेहरा जिसका जादू मतदाताओं के सर चढ़कर बोलता है। एक ऐसा नेता जो अपने सौम्य व्यवहार से न सिर्फ अपने समर्थकों का दिल जीत लेता है, बल्कि विरोधी भी उनके अंदाज के कायल हो जाते हैं। वो आम लोगों से जब भी मिलते हैं तो उनका कद उनके आड़े नहीं आता, उनका अंदाज ही लोगों को सहज कर देता है। उनमें कहीं भी एक बड़ा राजनेता होने का दंभ नहीं झलकता। जिस सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वहां की जनता उन्हें हर बार सर आंखों पर बिठाती है। पिता भले ही जादूगर थे, लेकिन वो राजनीति में रहकर लोगों पर जादू कर रहे हैं। अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका जादू जनता के सर चढ़कर बोलता है। अब जब एक बार फिर से राजस्थान का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी जादूगर का जादू प्रदेश की जनता पर चलेगा? क्या एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रिवाज? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जनता को बता रहे हैं, और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं की सौगात भी जनता को दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करने के बाद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के चलते आज पूरे देश में राजस्थान की चर्चा है और वो चहुमुखी विकास का मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है। सब राज्यों में अब चर्चा चलने लग गई है। 5-6 राज्य एडॉप्ट कर चुके हैं ओपीएस को। केंद्र सरकार की अभी तक नियत ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको आगे आगे फैसला करना चाहिए ओपीएस का। ये मान्य दृष्टिकोण हमने किया है। बुढ़ापे के अंदर कर्मचारी 35 साल की नौकरी करता है, बुढ़ापे में लगे भाई कि मैं कम से कम सिक्योर रहूंगा, मतलब वो क्या काम करेगा 35 साल से, क्या सेवा करेगा। अब ये कैंप लगे हुए हमारे महंगे रात के, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, एक तरफ तो हमारे दूरदर्शन जी ने सबका आह्वान किया, सब कार्यकर्ता लगे काम के अंदर, इधर प्रभारी बनाए हैं कैंपों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, एक एक महीना 1.5 महीना वही रह रहे हो लोग प्रभारी, एक एक कैंप में जा रहे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी जो है अधिकारी, ऐसा मैंने उत्साह के साथ में काम करते हुए पहले कभी नहीं देखा। ये इस प्रकार से काम हमारे कर्मचारी भी कर रहे हैं, कह सकता हूँ मैं। तो आप सोच सकते हो सब मिलके गरीबों के राज का काम जो है, ये चुनौती भरा काम था, चुनौती को स्वीकार किया, चैलेंज को स्वीकार किया, और कितना लोगों को फायदा मिल रहा है, आंखों में आंसू आए देखते हुए बात करते हुए। आधार कार्ड मिल रहे थे अभी मैंने देखा वहां पर, स्कूटी मिल रही थी वहां पर, चेक मिल रहे थे उनको 50,000 के 1,00,000 के बच्चों की शादियों पर जो हमारी स्कीम है। आप सोचिए कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने, इसलिए डी जिला आपका बना है, उसी का ये समझ लीजिए लॉन्चिंग हो रहा है आपके यहाँ, पहले लॉन्चिंग हो रहा है राजस्थान 19 जिले में पहला जिला आपका डी बन गया है, जिसको मैं लॉन्चिंग करने की बात कर रहा हूँ, लॉन्चिंग करने की बात कर रहा हूँ आपके यहाँ शुरू कर रहा हूँ, बाकी जिले की बात में होगी। उधर राजस्थान सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खास्त्रीवास और शिक्षा मंत्री बीजी कल्ला का सरकारी योजनाओं को लेकर क्या कहना है और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाएं और योजनाओं के कारण जो जनता को रिलीफ मिल रहा है, जनता में जो जय जयकार हो रही है, उसके बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी रोजाना कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करके और कांग्रेस के कामों पर पानी फेरना चाहती है, लेकिन बीजेपी को यह तय कर लेना चाहिए, बीजेपी के लोगों, केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है 9 साल से, क्या हुआ नोटबंदी के बाद, क्या हुआ 15 लाख और अच्छे दिन का,
क्या हुआ पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई का, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? बीजेपी को बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि केंद्र की बीजेपी की सरकार जो आज सरकार में बैठी है उन्होंने किसानों के साथ क्या किया, किसान का आंदोलन हुआ, किसान मारे गए। इस बार बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं ना, जो 10 गारंटी योजनाएं दी हैं, उसमें 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट तक फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा, 2000 यूनिट तक कुओं को कनेक्शन में एक महीने में 2000 यूनिट की छूट, 1000 रुपया पेंशन, 75 लाख लोगों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, ये जो 10 गारंटी योजनाएं हैं इसका लाभ लोगों को बहुत अधिक मात्रा में मिला है। जिन पशुपालकों की गाय मरी थी ना, उनको राज्य सरकार 40,000 रुपये पर पशुपालक को दे रही है, इसलिए पशुपालकों को बहुत ही आर्थिक मदद मिल रही है, इससे पशुपालक दूसरी अपनी गाय खरीदेगा और आजीविका चालू रखेगा, इसलिए सरकार के प्रति सभी पशुपालकों का रवैया बहुत ही अच्छा है। राजस्थान सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो गायों की लंपी की बीमारी है तो इनके लिए हमारी सहायता दे रही है और राजस्थान में बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। सरकार ने प्रोग्राम अच्छा किया है, किसानों के हित में अच्छी बात की है, पशुपालन के अच्छी की है, ये मिल रहा है 40,000 रुपये बता रहे हैं, बढ़िया कर रही है सब, एक नंबर बहुत बढ़िया कर रही है सब, हमारे को पेंशन भी दे रही है, सब काम कर रहे हैं। तो सियासत का जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, राजस्थान की जनता को आप सुन रहे थे, जो जो योजनाएं लेकर के आए हैं, जो जो लाभ जनता को पहुंच रहा है, वो कैसे आज मुख्यमंत्री की तारीफ के कसीदे गढ़ रहे हैं आप सब लोगों ने सुना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेश नागर सीधा जुड़ चुके हैं राजस्थान की धरती से, जहां पर समझे कि हम कोशिश करेंगे लोकेश से कि लोकेश क्या लग रहा है, सियासत के जादूगर का जादू इस बार भी प्रदेश की जनता के सर चढ़कर बोलेगा या फिर इस बार समीकरण कुछ और होंगे? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा सियासत के जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जलवा इस समय राजस्थान में जरूर नजर आ रहा है, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जा रहे हैं और महंगाई राहत कैंपों में जहां जनता के लिए राहत की बात की जा रही है, जिस तरह देखा गया था कि 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तो पूरे देश से एक आवाज आई थी कि केंद्र के शासन में लगातार देश में महंगाई बढ़ी है और उसी को राहत देने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक चला और आखिरी साल में महंगाई राहत कैंप के तहत तमाम योजनाओं का लाभ आम जनता को सीधे पहुंचाया। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम राहत कैंपों का जायजा लिया और जनता से भी बात की तो जनता आखिरी वर्ष में भी खुश है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम काम कोरोना के समय किए ही, चाहे वो कोरोना जैसी बड़ी महामारी में महामारी से लड़ने का काम हो, लोगों के पास चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का काम हो या उसके बाद तमाम योजनाएं जो इस समय धरातल पर नजर आ रही है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल विधायकों से ये कहा कि जो भी विकास के काम आप लेकर आएंगे वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे और ये ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। जिस तरह आम जनता का फीडबैक है, पहली बार राजस्थान में ये परिपाटी नजर रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का राज राजस्थान में बनता रहा है, लेकिन पहली बार आखिरी वर्ष में आम जनता इस बात को कह रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है वो वाकई सराहनीय है, तमाम वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है, चाहे युवा हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय लोग हो। आपको बताएं राजस्थान किसानों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार अलग से बजट पेश किया और जिसका लाभ राजस्थान के किसानों को मिला, हर ग्रामीण स्तर का जो किसान है उस तक ये लाभ पहुंचा, चाहे वो बीजों में सब्सिडी हो या कृषि से संबंधित जो बीमा है उस योजना का लाभ हो या 2000 यूनिट किसानों को फ्री देने की बात हो, बिजली की एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई। दूसरी तरफ आम वर्ग का ध्यान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखते हैं, बड़ी साधारण राजनीति कुल मिलाकर के जिस तरीके से जनता के बीच काफी लोकप्रिय है अशोक गहलोत, कहा जा सकता है यहाँ पर लोकेश के आने वाले वक्त में जो योजनाएं चल रही है राजस्थान के अंदर जनता वो याद रखेगी और साथ ही साथ उनके कामकाज को लेकर के उनका लोगों से जैसे मिलना जुलना रहता है ये सब चीजें जहन में रख करके ही वोटिंग होगी विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, जिस तरह आप देखेंगे पिछले 1 महीने से जो महंगाई राहत शिविर है उसमें जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है और जिस तरह जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने आ रही है, इससे निश्चित रूप से ये तो तय है कि जनता का जन समर्थन अभी भी कांग्रेस का पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो भी जमीन पर नजर आ रहा है और लोग भाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है उसे पसंद कर रहे हैं। बात की जाए तमाम विधानसभा क्षेत्रों की तो इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कम से कम 50 विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर जाकर फीडबैक चेक कर चुके हैं और जनता से सीधा 15 दिन राहत कैंपों में जाकर मुख्यमंत्री कर रहे हैं
कि तुम्हें लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, चाहे बुजुर्गों की पेंशन एक बड़ी योजना थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान बुजुर्ग पेंशन योजना लाए थे जिसका दायरा बढ़ाकर इसका 1000 कर दिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग हैं उनमें खुशी है, वो आत्मीयता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलते हैं और उनका आभार करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद कहते हैं कि जो जिन बुजुर्गों का ध्यान आखिरी समय में परिवार नहीं रख पाता, उसका भी ध्यान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रख रहे हैं और सीधे उन बुजुर्गों को 1000 रुपए की जो पेंशन है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर लोकेश कहा जा सकता है जो अनुभव है उनके साथ, सालों का अनुभव है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, तो कहीं ना कहीं उस अनुभव को वो साथ लेकर के चलते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जो राजस्थान की नब्ज है उसको समझते हैं, उसकी बारीकी को समझते हैं और लिहाजा वहां की जनता को क्या समझ चाहिए जनता को जहन में रख करके ही तमाम योजनाएं जो है वो लाई जाती है। चाहे हम गैस के दामों की बात करें, यहाँ पर सिलेंडर के दामों को जहां हर तरफ आसमान छू रहे लेकिन राजस्थान में कीमत बेहद कम है, उसकी बात कर लें, बिजली फ्री की बात कर लें, मतलब ये तमाम वो मुद्दे हैं जो सीधा सीधा जनता से कनेक्ट होते हैं। बात करें 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो परिवार है उन्हें यहाँ उपलब्ध करवाया गया, तो एक बड़ा कदम था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, क्योंकि कोरोना के समय जो रोजगार है वो घट गए थे, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर हो गई थी, ऐसे में राजस्थान की जनता को राहत की आवश्यकता थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा कहा है कि बड़ा दिल रखते हुए जनता की कोई यदि समस्या है, जनता ने चुनकर उन्हें भेजा है, तो जनता की समस्याओं के लिए काम करना चाहिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम योजनाएं लागू की और आम आदमी को टॉयलेट बिजली फ्री दी। अब जब इन महंगाई राहत कैंपों में जनता जा रही है और रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने हाथ में जब वो कार्ड लेती है तो निश्चित रूप से उनके चेहरे से खुशी झलकती है, हजारों लाखों लोगों से राजस्थान जीरो बिल आ रहे थे, ये खुशी का विषय कांग्रेसियों के लिए भी, आम जनता के लिए भी है। और आपको एक बड़ी बात भी बताएं, राजस्थान भले ही बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस में अंदरूनी निकल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट के बीच की लड़ाई का नुकसान कांग्रेस होगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर हम जब विधायकों के साथ मिलते हैं और तमाम आम जनता से लग नहीं रहा, जिस तरीके से वहां की जनता एक मुखर में होकर आवाज अपनी बुलंद कर रही, लग नहीं रहा कि इस लड़ाई का कोई असर पड़ेगा राजस्थान की सियासत पर। फिलहाल आप लोकेश हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी से लेंगे। तो दरअसल अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राजस्थान के अशोक गहलोत की महंगाई राहत योजनाओं की, जो पिछले काफी दिनों से राजस्थान और देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन योजनाओं में गैस सिलेंडर और योजना, जिसमें देखिए हम आपको लगातार वो योजनाएं दिखा रहे हैं यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए, कि गैस सिलेंडर योजना जिसमें 500 रुपए का सिलेंडर जो है वो लगभग 76 लाख परिवारों को दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना की हम बात करें जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना में कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह मुफ्त दिए जा रहे हैं। इसके बाद बात आती है मुख्यमंत्री मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की, और इस योजना के तहत फ्री राशन जो है वो दिया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके तहत न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन प्रति माह, और साथ ही साथ पशुपालकों को 40000 रुपये का पशु बीमा योजना। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें बीमा राशि बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दी गई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में भी अब बीमा राशि 10 लाख रुपए तक कर दी गई है, इसको भी बढ़ा दिया गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये तमाम वो योजनाएं हैं जो सीधे सीधे जनता को कनेक्ट करती है, और इन तमाम योजनाओं का जो फायदा है वो राजस्थान की जनता जो है वो उठा रही है, और यही वजह है कि इनको सियासत का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि जनता की नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं, साथ ही साथ क्या जरूरत थे प्रदेश को, राज्य को, वहां की जनता को, वहां की आवाम को, यह भी बहुत अच्छे से सीएम अशोक गहलोत जो है वो जानते हैं, समझते हैं, और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक योजनाएं जो है वो लागू हो रही है, और अशोक गहलोत जो है खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तमाम योजनाओं की जानकारी साझा करते हैं और जागरूकता फैलाने का काम भी वहां के अधिकारियों को उन्होंने दे रखा है कि आप लोग जो है जाइए और जाकर के वहां पर लोगों के बीच आप तमाम लोग पहुंचिए, उन्हें समझाइए कि सरकार, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब भी राज्य सरकार कोई भी योजना लेकर के आती है तो उसके बाद आपको बताने की दरअसल योजनाएं तो बहुत ज्यादा आ जाती हैं लेकिन
जनता को पता ही नहीं होता है कि इसका फायदा हमें कैसे लेना है, इसका लाभ हमें कैसे मिलेगा। लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है, उन्हें समझाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आप कैसे कब कहां अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे इस योजना का फायदा जो है वो उठा सकते हैं। और यही वजह है कि अशोक गहलोत अब राजस्थान की सियासत में वो चेहरा बन चुके हैं जिससे कि सामने अगर कांग्रेस पार्टी खुद भी किसी और को लाना चाहे तो शायद राजस्थान की जनता को ये स्वीकार नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें 1000 गांव में रसोई खोलने का, उनका जो प्लान था वो बहुत बढ़िया रहा है, लोगों को बहुत पसंद आया है। ये इंदिरा रसोई योजना की बात यहाँ पर हम आपसे कर रहे हैं। 8 रुपए में बैठा करके खाना खिलाने की व्यवस्था है, महज 8 रुपए में आप पेट भर के खाना जो है वो खा सकते हैं। अब योजना के तहत कैसे लाभ आपको मिल रहा है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, नीचे आप पढ़ भी सकते हैं। आपको बता दें कि हर दिन 1 रसोई में अधिकतम खाना बनता है। 1000 गांव में रसोई खोलने का प्लान जो है वो अशोक गहलोत का है। और साथ ही साथ आपको बताया कि 8 रुपए में बैठा करके खाना खिलाने की व्यवस्था इस योजना के तहत है यहाँ पर। और इसके अलावा गांव या फिर कस्बे की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इस पूरी योजना की रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है। हर दिन 1 रसोई में अधिकतम 200 लोगों को खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मतलब अब चलिए अब हम आगे बढ़े तो किसान योजना की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है वो मई 2021 से लागू की गई थी और सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ता के लिए ये योजना जो थी वो लाई गई थी। इसके अलावा इस योजना से जुड़ी अहम जानकारी साझा कर दें कि इस योजना में 12,000 प्रतिवर्ष रुपये किसानों को मिलेंगे। किसानों को भी ख्याल में रखकर के योजनाएं बनाई गई है। 6 मासिक किश्तों में 12 महीनों तक इसका लाभ जो है वो सीधा किसानों को मिलता रहेगा। साथ ही साथ किसान मित्र ऊर्जा योजना मई 2021 से लागू की गई है और तब से किसान फायदा इसका ले रहे हैं। सामान्य श्रेणी के जो ग्रामीण कृषि उपभोक्ता है उनके लिए बाकायदा उन्हें ध्यान में रख करके ये योजना जो थी वो लाई गई थी यहाँ पर। इस योजना में जैसे कि पहले भी बताया कि 12,000 प्रतिवर्ष रुपये किसानों को मिलेंगे यहाँ पर। तो जिस तरीके से एक एक योजना को विस्तार तरीके से आपको हम समझा रहे हैं बता रहे हैं यहाँ पर, और यही वजह है कि राजस्थान की राजनीति का इस वक्त जो अशोक गहलोत है वो कद्दावर चेहरा बन चुके हैं जिसका जादू मतदाताओं के सर चढ़कर बोलता है। क्यों बोलता है वो तमाम योजनाएं आप तक हमने पहुंचाई, आपको हमने समझाया। लोकेश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से हम लोकेश का रुख कर लेते हैं। लोकेश, जिस तरीके से चाहे हम राजस्थान में किसानों की बात कर लें, आम जनता की बात कर लें, निचले तबके की बात कर लें, हर जो योजना लाई गई सब तबकों को जहन में रख करके तमाम योजनाएं बनाई गई, क्या एक बहुत बड़ी वजह यही है क्योंकि जो भी योजना आ रही है उसका सीधा फायदा वहां के ग्रामीण इलाके भी उठा पा रहे हैं, वहां के जो शहरी इलाके हैं उनको भी मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो आज इतने लोकप्रिय बन चुके हैं अशोक गहलोत अपनी प्रजा के बीच? बिल्कुल, बता दें सरकारें हमेशा अपना काम करती रही है लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसा जो अनुभवी व्यक्ति है निश्चित रूप से इसका लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है। यही बात है कि ज्यादातर समय जब योजनाएं बनती थी तो धरातल पर नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी नहीं होती थी या फिर उन सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी वो प्रक्रिया बहुत लंबी थी। लेकिन जिस प्रकार का रणनीतिक रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पूरा प्लान बनाया उसमें राज शिविरों में जनता के घर जाकर जनता के द्वार पर जाकर तमाम योजनाओं का लाभ सरकार वहां पहुंचा रही है। हम ग्रामीणों से जब इन राज शिविरों में जाकर बात करते हैं तो ग्रामीण खुद दिखाकर बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हमें ये कार्ड खिला है, इसमें ये गारंटी हमें दी गई है कि इस योजना का लाभ हमें मिलेगा और सीधा लाभ वहां तक पहुंच रहा है। बात करें किसानों की तो किसान वर्ग ऐसा है कि राजस्थान सबसे जो बड़ा व्यवसाय है वो कृषि है और ज्यादातर 70% राजस्थान की आबादी गांव में निवास करती है, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम किसान वर्ग को साधने के लिए तमाम किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सीधी योजनाएं बनाई जिनका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है और आज राजस्थान का किसान चाहता है कि राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार वापस मौका दिया जाए और इन राज शिविरों में ये नजर भी आ रहा है, उनकी तमाम बड़ी सभाओं में बड़ी संख्या में किसान नजर आते हैं। वही दूसरी तरफ बात की जाए शहरी रोजगार गारंटी योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में लाए और शहर के जो लोग थे जिनके पास रोजगार का अवसर नहीं था उन्हें भी 125 दिन का रोजगार यहाँ उपलब्ध करवाया गया और इन शिविरों में इसकी गारंटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार द्वारा दी जा रही है। वहीं आपको बताया कि अन्य योजनाओं की बात कर लें, आप ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़ी समस्या थी चिकित्सा को लेकर, ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 साल में राजस्थान चिकित्सा व्यवस्थाओं में विस्तार किया, CST CST खोली और कोरोना के समय जब लोग इस बड़ी महामारी से जूझ रहे थे उस समय
यहाँ का चिकित्सा का जो ढांचा है उसे मजबूत कर दिया गया और 25 लाख का जो चिरंजीव योजना के तहत निःशुल्क इलाज योजना का लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है वो आपको अस्पतालों में राजस्थान के अस्पतालों में देखने को मिलेगा। इन योजनाओं के अलावा लोकेश, इन योजनाओं के अलावा एक प्लस पॉइंट जो है अशोक गहलोत का वो ये भी है कि उनका जो सौम्य व्यवहार है वो न सिर्फ समर्थकों का दिल जीत लेता है बल्कि जो विरोधी है वो भी उनके संदास के कायल हो जाते हैं। निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सत्ता का जादूगर कहा जाता है और ये जादू उनके प्रेम का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके द्वार पे जो भी पहुंचा उसे बड़े सौम्य होकर मिलते हैं और राजस्थान के विधायकों की बात करें तो राजस्थान का एक एक विधायक जो कह रहा है पहली बार ये राजस्थान विधायकों को लगा कि मुख्यमंत्री से जो जाकर मांगा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जिस समस्या को लेकर गए उस हर समस्या का समाधान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया और बड़े बड़े विकास कार्य एक एक विधानसभा क्षेत्र में चाहे कॉलेज हो मेडिकल कॉलेज हो या बालिका शिक्षा से जुड़े हो महाविद्यालय हो स्कूलों का विस्तार हो चिकित्सा का विस्तार हो या सड़कों का निर्माण हो ऐतिहासिक काम राजस्थान की गहलोत सरकार ने की। बिल्कुल ठीक है लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। और दरअसल देखिए योजनाओं के बारे में हमने आपको बताया आखिर क्यों लोकप्रिय हैं अपने राज्य में, ये भी आपको हमने समझाने की कोशिश की क्योंकि आम लोगों से जब भी वो मिलते हैं उनका एक अलग ही अंदाज होता है, उनका कद कभी भी आड़े नहीं आता।